हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10.1 जो कि बेहद ही आसान एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हमने इतना अच्छा कर रखा है जिससे आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? तो एक सर्किल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो डेफिनेटली एक सर्किल के कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि सर्किल को छू कर जाने वाली लाइन्स कितनी भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट कैन बी देयर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। तो आंसर क्या आएगा? देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। ये भी बहुत सिंपल है। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है? डेफिनेटली एक ही पॉइंट पे तो होता है। टेंजेंट इंटरसेक्ट कह रहा है कि इंटरसेक्ट कितने पर होगा। टेंजेंट होगा तो इंटरसेक्ट तो किसी एक ही पॉइंट पे जाकर होगा। ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो लाइन क्या कहलाती है? जब वो अगर हम केवल लाइन सेगमेंट बोले तो कॉर्ड होता है। और जो लाइन होती है वो लाइन क्या कहलाती है जो इंटरसेक्ट करती है? उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। उसके बाद में अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एट मोस्ट? पैरेलल की बात करें तो एक बार में अगर हम बात करें तो एट मोस्ट दो ही हो सकते हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक वक्त में, दो ही आएंगे। कैसे ही करके देख लो, दो ही आएंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है, जैसा मैंने बताया था। ये कॉमन पॉइंट और सर्किल पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। वो जो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट सेकंड हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। देखिए बच्चों, ध्यान से समझो इसको। डायग्राम को अच्छे से क्लियरली समझिए। डायग्राम के थ्रू है ये। हाँ तो बच्चों देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। डायग्राम में आपको क्या दे रखा है? एक रेडियस दे रखा है, OQ की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ये कह रहा है कि द लेंथ और टेंजेंट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो उसको करने से पहले सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हमें ये बताना है कि ये 90 डिग्री क्यों होगा। सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे OQ परपेंडिकुलर होगा PQ पे। रीजन लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ये फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OP जो है ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर शो हो रहा है ये। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। इन ट्राइंगल PQ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये आराम से वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम से है? पाइथागोरस थ्योरम से। अब हाइपोटेनस कौन? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। तो ये 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? 5 का स्क्वायर। बेस कौन है जो कि हमें निकालना है? क्योंकि ये हो गया आपके 144। ठीक है, ये वैल्यूज है, सारी वैल्यूज इसमें रखते जाइए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 25। और ये आपके क्या आ गया?
टू पी स्क्वायर, तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, तो बच्चों वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आएगी, तो स्क्वायर है तो इधर जाने पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वो जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्किल, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ये रहा सर्किल ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, एक लाइन गिवन है नीचे, ठीक है, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड ऑफ द सर्किल, तो हमें ये बताना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक सर्किल है, सेंटर ओ है जिसका, ये एक गिवन लाइन मान लेते हैं कि ये गिवन लाइन है, तो इसमें आपको कुछ केवल डायग्राम बनाना है, गिवन लाइन, अब आपको टेंजेंट भी बताना है, सेकेंड भी बताना है, बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट, सेकेंड में अगर बात करें पैरेलल होना चाहिए तीनों, जीरो, ये आपका सेकेंड हो गया, यही आपसे पूछा गया था, ये आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन जो आएंगे उसके थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं, 10.2 के अंदर एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप इतना प्रिपेयर करें अच्छे से, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।